What's going on everyone, welcome back to 5 Sports, I'm your host Sufyan और इस समय इंडियन क्रिकेट का जो सीजन है वो थोड़ा सा ब्रेक पर चल रहा है। भारतीय टीम इस समय छुट्टी पर है, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट की तैयारी हो रही है और IPL 2025 के मेगा ऑक्शन को लेकर के रोज नई नई अपडेट हमारे सामने निकल करके आ रही है। तो एक बार फिर से फटाफट हम आपके सामने कुछ बड़ी अपडेट्स, उसके एनालिटिकल पीसेस लेके आपके सामने हाजिर हो गए हैं और ऐसी वीडियोज रोज तकरीबन इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे जैसे मेगा ऑक्शन करीब आएगा इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस, लंबी लंबी मजेदार वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। और मेगा ऑक्शन तक हमारा जो लक्ष्य है 100 के सब्सक्राइबर का, इस दीवार के पीछे सिल्वर बटन लगाने का, उसमें हमारी मदद करो। और देखो बिना देर किए सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खबर आपको बताते हैं, खास करके अगर आप दिल्ली कैपिटल्स के फैन हो, कि ऋषभ पंत इज लाइकली टू स्टे इन दिल्ली कैपिटल्स फॉर दी IPL 2025। जैसे कि आप जानते होंगे इस चैनल पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल से अलग होने और उनके चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जोड़े जाने की जो खबर थी वो पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बना रही थी। और ये खबर सबसे ज्यादा बिलीवेबल तब हुई जब खुद CSK के CEO काशी विश्वनाथ सर ने आकर के कहा कि वो चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड में ऋषभ पंत को शामिल करना चाहते हैं और अगर वो मेगा ऑक्शन में अवेलेबल होते हैं तो वो ऋषभ पंत को टारगेट करेंगे। उसके बाद खबर आई कि DC की मैनेजमेंट पंत की कप्तानी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो रोहित शर्मा को टारगेट करने के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब वन इंडिया बंगाली को इंटरव्यू में सौरभ गांगुली ने बताया है, रिसोर्सेज ने भी इस बात को क्लेम किया है कि ऋषभ पंत विल बी स्टेइंग एट दिल्ली कैपिटल्स। देखो रिकी पोंटिंग के दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोचिंग पद से जब से उनको हटाया गया है, पूरी की पूरी कमान जो मैनेजमेंट की है वो इस समय सौरभ गांगुली के पास है। और सौरभ गांगुली ने यह बोला है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि जो ऋषभ पंत हैं वो दिल्ली कैपिटल्स में ही रुकने वाले हैं, यानी कि एट दिस मोमेंट चेन्नई सुपर किंग्स को महेंद्र सिंह धोनी का उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड मूव फॉर दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि देखो ऋषभ पंत का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इस समय कोई कनेक्ट है नहीं, जो कनेक्ट है वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ है। और दिल्ली कैपिटल्स के साथ ऋषभ पंत बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, इनफैक्ट इकलौती टीम है जिससे वो खेले हैं अभी तक और वो दिल्ली से आते भी हैं, तो उनकी कप्तानी और उसके साथ साथ दिल्ली के साथ खेलना उनके करियर के लिए भी बेटर रहेगा, एक उनकी खुद की ब्रांड रहेगी। क्या कप्तानी को लेकर के कुछ ऊंच नीच हो रही है, क्या ऋषभ पंत की लीडरशिप में वो असर नहीं दिख रहा है डीसी की मैनेजमेंट को? वेल अगर ऐसा है तो फिर आपको एक मजबूत कॉल उसके ऊपर लेनी पड़ेगी, कि क्योंकि पंत तो जहां जाएंगे वो एज ए कैप्टन जाना चाहेंगे। फिर उसमें यह भी पेश था कि ऋतुराज गायकवाड़ का क्या होगा चेन्नई सुपर किंग्स में। सो एट दिस मोमेंट आई रियली डोंट सी दिस डील गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली सौरभ गांगुली ने जब ये बात बता दी है, बट यू नेवर नो इन द फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि सभी टीम अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में बिजी हैं। बट राइट नाउ लुक्स लाइक ऋषभ पंत इज स्टेइंग विद द दिल्ली कैपिटल्स। और उसके बाद एक और बड़ी अपडेट कोचिंग पोजीशन को निकल करके आई है दिल्ली कैपिटल्स के। देखो जब से रिकी पोंटिंग डीसी से अलग हुए हैं यह बात तकरीबन कंफर्म मानी जा रही थी कि सौरभ गांगुली ही डीसी के हेड कोच बनेंगे, बट एट दिस मोमेंट अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और डीसी के साथ साथ कोलकाता नाइट राइडर्स भी एक इंडियन सपोर्ट स्टाफ अपने साथ जोड़ना चाहती है। भारत तरुण इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हैं, लेकिन अभिषेक नायर वहां से अलग हो चुके हैं, गौतम गंभीर वहां से अलग हो चुके हैं, बट जीजी एक ही सीजन साथ थे कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो वो स्ट्रक्चरली इतना डैमेज नहीं हुआ है KKR को जितना अभिषेक नायर के जाने से कोलकाता नाइट राइडर्स को हुआ है, क्योंकि वो KKR अकेडमी भी देखते थे, उसके अलावा बाकी फ्रेंचाइजीज के साथ भी काम करते थे और फिर रायंटन डस्कार्ड भी उनसे अलग हो गए हैं। सो थिंग्स आर अ लिटिल बिट वियर्ड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। KKR एक पहली ऐसे फ्रेंचाइजी थे जिसने बहुत हाई प्रोफाइल ओवरसीज कोच की जगह एक बिल्कुल डोमेस्टिक इंडियन कोच को अपना हेड कोच बनाया था, चंद्रकांत पंडित को। हालांकि उनके टैक्टिकल स्ट्रेटजीज का तो मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, आई डोंट थिंक सो कि KKR को उनके ऊपर मिनी ऑक्शन या मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा दारोमदार उनको देना चाहिए। सो आई विल वॉन्ट टू सी समबडी मोर मेच्योर इन दैट पोजिशन। इंडिया में ऐसा कौन है? वेल आई रियली हैव नो क्लू अबाउट दैट, स्पेशली अगर आप एनालिस्ट के साथ जाना पसंद करते हो और श्रेयस अय्यर को कमान देते हो तो दैट कुड बी एन ऑप्शन, अदरवाइज
मेंटोर के ऊपर हम एक पूरी वीडियो बना चुके हैं। मेरे हिसाब से ऑयन मॉर्गन हो गए, युवराज सिंह हो गए, दीज पीपल विल बी बेटर कंटेंडर्स। उसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स क्या सौरभ गांगुली को हेड कोच बनाएगी या फिर वो वही डायरेक्टर वायरेक्टर बने रहेंगे, इसके ऊपर भी अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है और दोनों ही टीमें अपने अपने ऑप्शंस को खंगालने में यहां पर लगी हुई हैं। और उसके बाद तीसरी अपडेट, कॉन्ट्रोवर्शियल अपडेट निकल करके आई है रविचंद्रन अश्विन से रिलेटेड, जहां पर अश्विन अन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर राइट टू मैच कार्ड को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि ये प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा अनफेयर होता है एंड इट इज कंप्लीटली अननेसेसरी टू बी पार्ट ऑफ द ऑक्शन। और आरटीएम कार्ड के बारे में उनकी राय ये है कि देखो, जो मार्केट वैल्यू होती है वो प्लेयर को मिलती नहीं है। सपोजिटली कोई प्लेयर है, उसका नाम ऑक्शन में आता है, दो टीमें उसके ऊपर बिडिंग वॉर करती हैं, जो भी उसकी कीमत होती है उसकी पुराने फ्रेंचाइजी आरटीएम कार्ड से उसको ले लेती है, वो बिडिंग को आगे नहीं बढ़ाती है। जैसे मान लो ध्रुव जुरेल आते हैं मान लो ऑक्शन में, तो आरसीबी हो गई और एसआरएच हो गई, दोनों उनके ऊपर बिडिंग करती हैं। ध्रुव जुरेल जाते हैं 8 करोड़ तक, उसके बाद ध्रुव जुरेल का नाम रुक जाता है, राजस्थान रॉयल आरटीएम उठाती है और उनको अपनी टीम में ले लेती है। अश्विन का यह मानना है कि आरआर को उनकी बिडिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि 8 करोड़ के बाद अगर आरआर उनको चाहती है तो वो अपना पैडल उठाए, ना कि आरटीएम का ऑप्शन उनको मिले। और फिर कुछ जो फ्रेंचाइजीज होती हैं वो इसका जरूरत है ज्यादा फायदा भी उठाती हैं, वो जानबूझ के प्लेयर्स के प्राइसेस को इन्फ्लेट करते रहते हैं, उस पे बिडिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उसकी पुरानी फ्रेंचाइजी उसके ऊपर जरूर पैडल उठाएगी, आरटीएम कार्ड लगाएगी, उसको लेना चाहेगी, तो उनका पर जितना ज्यादा से ज्यादा खाली करा पाओ ये भी उनका यहां पर प्लान रहता है। सो अश्विन का ओपिनियन तो आरटीएम के कार्ड के बिल्कुल खिलाफ है। आई थिंक इट कुड बी एन ऑप्शन, और फ्रेंचाइजी भी चाहती है कि आरटीएम कार्ड उनको मिले, बिकॉज दे वॉन्ट देयर मैक्सिमम प्लेयर्स बैक इन देयर टीम। सो इस पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।